हाय गाइस, मेरा नाम सुजीत दास है और आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे जैसे ब्लॉगर पेज में आपको अफिलेट कैसे लगाना है, और ये भी सीखेंगे, प्लस हम ये सीखेंगे ब्लॉगर पेज को अफिलेट की डिजाइन कैसे करना है वो भी सीखेंगे। अगर जैसे आपकी ब्लॉगर पेज में आपने अफिलेट लगाना चाहते हो, फ्लिपकार्ट हो चाहे कोई सी भी मतलब अफिलेट, अमेजोन की अफिलेट, और वो उसकी जो लिंक है वो कैसे लगाना है वो सारी डिजाइन हम सीखेंगे इसमें। एक बटन जैसे आपने अगर कोई भी प्रोडक्ट आपने डाला है, जैसे अमेजोन से आपने कोई भी एक प्रोडक्ट की लिंक लिया, और उस प्रोडक्ट की लिंक को आपको कैसे बटन में डालना है वो भी सीखेंगे इसमें। और प्लस आपकी बटन की जो HTML कोड है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो की, और ये बिल्कुल ईजी है, स्टेप टू स्टेप आप देखते रहना इसमें। मैं आपको अपनी जो लैपटॉप की स्क्रीन में आपको लेके जाऊंगा ये सारी डिटेल दिखाने के लिए। पहले हम सीखेंगे क्या ब्लॉगर पेज में अफिलेट कैसे लगाना है, और वो ब्लॉगर पेज में आपकी ब्लॉगर जो पेज है वो कैसे रन करेगा। अगर कोई भी अगर आपकी ये प्रोडक्ट सर्च करता है तो आपके टॉप में कैसे आएगा ये प्रोडक्ट, वो भी हम इसमें पूरी तरह से सीखेंगे। और बिल्कुल आसान है गैस, और जो बटन है बिल्कुल आपको डिजाइन की तरह मिलेगा, जैसे आपने कलर वाइज चाहिए तो कलर भी इसमें मिल जाएगा, और प्लस काफी तरह की डिटेल आपको सीखने को भी मिलेगा इसमें। तो गाइस शुरू करते हैं ये वीडियो। गाइस अगर आपको आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, और आपको अभी लेके जाता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन में। सो गाइस हम हमारी लैपटॉप की स्क्रीन में आ चुके। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या करना है। पहले हम न्यू पोस्ट में जाएंगे। न्यू पोस्ट में जाने के बाद हम अब जाएंगे अमेजोन एफिलेट अकाउंट में। आपने अगर लॉगिन नहीं किया तो लॉगिन कर लीजिए, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हम फिर अमेजोन डॉट इन में आ जाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी आपको जैसे प्रोडक्ट डालना, जैसे होली की आ रहा है तो होली की अगर प्रोडक्ट इस बैनर में क्लिक करते तो इसके नीचे नीचे कुछ प्रोडक्ट आ जाएगा होली रिलेटिव की। जैसे मैं होली की कोई भी एक कपड़ा डाल लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैन हो वुमन हो। सपोज अपन ये ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं टी शर्ट। ठीक है, ये प्राइम भी है और काफ़ी अच्छा रिव्यू है इसमें, तो ये वाला प्रोडक्ट ले लेते हैं हम। तो ये वाला प्रोडक्ट लेने के बाद हमें क्या करना है, इसमें जस्ट ये वाला कॉपी करके ये टाइटल को यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली करोगे तो टाइटल में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल दो तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे ये अपन टाइटल लिख दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको खुद को बनाना है। जैसे सॉरी, ये थोड़ा सा इस शार्ट में अभी ये इतना लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं, और इसमें पे आपको आप चाहो तो ये टाइटल यहाँ पे फिर इस तरह के आगे आप पेस्ट करके, और जैसे ये जैसे टी शर्ट है तो अपन इसको बोल्ड करके बोल्ड कर दें। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इमेज जो फोटो है ये फोटो हम सेव करेंगे अपने डेस्कटॉप पे, राइट क्लिक करके सेव इमेज में आपको क्लिक करना है। सेम इमेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें एक फोल्डर है हमारी अमेजोन। ठीक है, अमेजोन वाला एफिलिएट में कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ देखना है हमें, अगर आपको जैसे ये दिख रहा है आपको यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जैसे डिस्काउंट वगैरह नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपको डिस्काउंट वगैरह जैसे 20% हो आप ऐसे कुछ दिख रहा है तो ये भी कर दे सकते हो आप चाहे इसमें। ये देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है मैं बताता हूँ आपको, फोटो में आपको जाना पड़ेगा। फोटो में जाके हमें राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके एडिट पे जाएंगे।
एडिट पे जाने के बाद हम यहाँ पे लेंगे टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट में यहाँ पे हम 20% ऑफ लिखेंगे, ऑफ, ठीक है। और इसकी जो साइज है हम यहाँ से बढ़ा देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, तो हम 36 ले लेते हैं। और इसको सर्किल को थोड़ा सा यूज करते हैं, ठीक है। आप जितना बढ़िया कर सकते हो तो बढ़िया कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे अपना ये हो गया, और उसके बाद हम सेव कर देते हैं इसको। सेव करने के बाद ये हम फिर यहाँ पे आ जाते हैं और ये फोटो ले लेते हैं हम, हमने ये फोटो ले लिया। फोटो लेने के बाद हमें दोबारा उसी पेज में जाना है, अमेजोन की पेज में, ठीक है। तो इस तरीके से चाहे आप इसको लर्ज कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा साइज बढ़ा सकते हो। और जैसे इसके बाद हम अमेजोन में जाएंगे दोबारा इसी, अब हमें यहाँ पे बुलेट पॉइंट दिख रहा है हमें, तो ये बुलेट पॉइंट हम कॉपी करेंगे इसको, कॉपी करके अपना नोट पैड में फिर दोबारा डालेंगे, दोबारा डाल के फिर इसको कॉपी यहाँ से करेंगे, कॉपी करके फिर इस फोटो के नीचे जस्ट फिर ये सिलेक्ट कर लो, ये क्योंकि बिखरा हुआ लग रहा है तो इसको सिलेक्ट करके आपको साइड में, एक साइड में करना है। एक साइड किया अपने, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये सिलेक्ट करके दोबारा हमें अपने नंबर वाइज कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बुलेट पॉइंट तैयार हो गया। अब हमें इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देना है। तो डिस्क्रिप्शन देने के लिए आपको दोबारा उसी प्रोडक्ट में जाना है, जाने के बाद आपको चाहे यहाँ पे शो मोर डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, चाहे ये बुलेट पॉइंट रह गया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसके बाद हमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लेना है उसे, जैसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये है हमारे पास, तो हम ये क्या करेंगे, कॉपी करके दोबारा नोटपैड पे जाएंगे, नोटपैड में जाके हम ये दोबारा यहाँ पेस्ट करके दोबारा कॉपी करेंगे हम, ये आ गया। जैसे ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है तो इसमें आप थोड़ा सा इसको बढ़ा करके, ठीक है, हेडिंग, ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हमने इसको हेडिंग बना दिया, बनाने के बाद थोड़ा सा आपके हिसाब से जितना वेस्ट बना सकते हो आप तो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारी पेज, जो एफिलिएट जो हमने प्रोडक्ट लिया है ये पेज बन गया। अब हमें लिंक डालना है इसकी और एक बटन डालना है, ठीक है। और सबसे बेस्ट आपको इस पेज में ये सिम नहीं लग रहा, जैसे आप बटन डालोगे ना तो उसके बाद आप ओपन करो, व्यू करोगे इस पेज को तो बढ़िया देखने में भी लगेगा, जैसे अमेजोन में आपने कोई भी परचेस करो जैसे बटन लगा हुआ रहता है बाय नाउ, इस तरह से यहाँ पे भी आप एक बटन लगा सकते हो। तो फिलहाल हम यहाँ पे करेंगे एक टेक्स्ट लिखेंगे जिससे हम बाय नाउ यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। बाय नाउ लिखने के बाद हम बाय नाउ लिख दिया हमने और हम फिर यहाँ पे जाएंगे लेवल में, ठीक है, ये लेवल मैंने मैन क्लोथ लिख दिया। उसके बाद हमें सच डिस्क्रिप्शन में हमें ये वाला टाइटल हमें लिखना है, यहाँ पे हम डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप बना के डाल सकते हो तो बढ़िया है, बना के डाल सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हम HTML कोड में जाएंगे, मैं दिखाता हूँ आपको HTML कोड, ठीक है। अब मेरे पास ये HTML कोड है, मैं नोट पैड में ओपन कर लेता हूँ। नोट पैड में ओपन करने के बाद हम ये HTML कोड आपको यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे पहले किया था तो यहाँ पे टी शर्ट डाल देते थे अपन, टी शर्ट, ठीक है, जो टाइटल है टी शर्ट डाल के। और जैसे उसके बाद हमें
ब्लैक कलर है, कोई नहीं, ठीक है, बॉर्डर नॉन रखा हमने। और जैसे ये वाला जो लिंक है, आपको मैंने आपको बताया ना, इसके लिंक तो आपको डालना ही पड़ेगा, बिना लिंक के अगर कोई डालोगे तो कोई क्लिक क्लिक करेगा भी है। और एक चीज बताऊंगा मैं, और एक चीज बताया नहीं आपको, चाहे ये लिंक आप इस फोटो में भी देख सकते हो, कोई भी बंदा अगर आता है पहले इस पेज में, चाहे अगर वो फोटो को क्लिक करके देखना चाहता है तो डायरेक्ट अमेजोन के पेज में चल जाएगा वो, और अमेजोन के वहां से आपकी एक क्लिक भी मिल जाएगा, प्लस आपको सामने वाला बंदा को अगर कुछ भी चाहिए तो वहां से भी डिटेल ले सकता है, अगर परचेस कर सकता है। अगर आपकी उस लिंक से अगर कोई भी जाता है तो उसमें वो बंदा अगर चाहता है यार ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, दूसरा प्रोडक्ट चाहिए, तो दूसरा प्रोडक्ट में भी क्लिक करता है तो आपको भी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला लिंक हमने कॉपी कर लिया, यहाँ से टेक्स्ट गेट लिंक के नीचे हम टेक्स्ट ले लिया हमने, और शॉर्ट लिंक लिया हमने। शॉर्ट लिंक लेने के बाद हम आपसे यहाँ पे जाके चेंज करेंगे, ये वाला जो कोड है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो HTML जो कोड है ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। फिर हमें यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करने के बाद हमें हमारी ये जो हमने HTML यहाँ पे, फिर कंपोज में जाने के बाद हम यहाँ पे HTML करेंगे, HTML जाने के बाद हम यहाँ फाइंड करेंगे, एक क्लिक करके फाइंड करेंगे, कंट्रोल एफ करेंगे, और यहाँ पे हमने लिखा तो वहाँ पे क्या लिखा था, बाय नाउ के ना एक ऑप्शन लिखा था, और ये बाय नाउ के ऑप्शन की जगह हम ये वाला कोड डाल देंगे, ठीक है, और ये पब्लिश कर देंगे। अब देखते हैं हम कैसे, मतलब ये पेज देखने में कैसे लग रहा है। सो गाइस, ये हमारी जो पेज है, यहाँ पे देख सकते हो आप, बटन आ गए, और इस बटन के कलर भी आप चेंज कर सकते हो। कलर चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है HTML कलर कोड, तो पहला एक साइड आएगा HTML कलर कोड, ठीक है, इसमें जाके आपको कलर अगर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं वो भी करा के देखाता हूँ आपको। ये साइट की लिंक में भी डाल दूंगा, दे दूंगा आप डिस्क्रिप्शन में। जैसे मुझे कलर यहाँ पे चाहिए, मुझे रेड चाहिए, सपोज मान के चलो रेड, तो ये वाला जो कोड है हमें यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद अब हमें यहाँ पे डालना है, ये देखो मैंने डाल दिया, ठीक है। अब ये दोबारा कॉपी में कर लेता हूँ इस पेज, ये जो कोड है दोबारा कॉपी करके मैं दोबारा उस प्रोडक्ट में जाता हूँ, और हमने जो कोड डाले थे यहाँ से हम चेंज करेंगे इस कोड को, अब ये डाल दें हमने। अब इस पेज को दोबारा रिफ्रेश मारते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश करने के बाद देखो इस तरह आ गया ना, रेड कलर की आ रहा है, तो देखने में काफी, अगर कोई भी बंदा इसको पसंद आता तो यहाँ पे क्लिक करेगा डायरेक्ट, फिर आपकी अमेजोन साइट पे चल जाएगा, आपकी जो लिंक था वहां पे आ जाएगा। ये देखो, तो ये बिल्कुल आसान है, और बिल्कुल अगर पेज भी देखोगे मतलब बिल्कुल बढ़िया पेज लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई शॉपिंग की जो वेबसाइट ई कॉमर्स साइट होता है इस तरह के लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप आसानी से कर सकते हो। गाइस, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मैं आपको और एक ट्रिप लेके आऊंगा, जैसे ये आप कमेंट करके बताइए आपको, मतलब आपका अगर न्यू अगर ब्लॉगर साइड है और आप चाहते हो मतलब उसमें एडसन की अप्रूवल बिल्कुल इजी से आ जाए, तो वो भी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, एक बिल्कुल इजी ट्रिक है। अगर आपने दो आर्टिकल भी लेगा तो भी फिर भी आपको एडसन से आपको अप्रूवल मिल जाएगा, ये मेरी पर्सनल ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा। आप प्लीज़ अगर आपको ये ट्रिक अगर चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये आपको एडसन वाला जो टिप्स है ये मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपको काफ़ी डिटेल इसमें सीखने को मिला है, जैसे HTML कोड कैसे लगाते हैं ये सारी चीज़ आपको सीखने को मिला है, और ब्लॉगर पेज में अपलेट कैसे लगाते ये भी आपने सीखा है अभी इस वीडियो में। तो अगर आपकी ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक कीजिए, और साथ में कमेंट करके बताइए हमें कैसे लगा और नहीं लगा, और प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।